हेलो गाइस, वेलकम टू देवेश गौतम फिटनेस। आज मैं आपके साथ एक टॉपिक फिर से लेके आया हूँ वेट गेन सीरीज़ के ऊपर में, जो वेट गेन सीरीज़ का ही वीडियो है। भाई, अगर आपका वेट नहीं बढ़ रहा, बहुत कुछ ट्राई कर लिया, वेट अगर नहीं बढ़ रहा, मैंने इतने सारे टिप्स दिए हैं, उससे तो आपका वेट बढ़ेगा, लेकिन फिर भी आप उसको भी फॉलो नहीं करना चाहते, तो मैं कुछ और आपके लिए नए टिप्स लाया हूँ जिसको आपको फॉलो करना है अगर आपको अपना वेट गेन करना है, चौड़ा होना, बल्क अप होना है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, अपने खाने में घी को ऐड करो। घी ऐड करने से क्या फ़ायदा है? अगर आपको अपना वेट बढ़ाना है, वेट घटाना है, कुछ भी करना है, आपकी बॉडी में IGF को बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन, मतलब ग्रोथ हार्मोन का ये छोटा भाई है, समझ लो, जो उसके साथ मिल के बॉडी को ग्रो करता है। अगर बॉडी ग्रो नहीं होगी तो ना वेट गेन होगा, ना वेट लॉस होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना इंसुलिन को बूस्ट करें, और उसको बूस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको खाने होंगे मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध पीना बहुत ज़रूरी है, दूध के साथ में घी पी लीजिए। घी को अपने खाने में खाओ, रोटी में घी खाओ, रोटी में लगा के घी खाओ, दाल में डाल के घी खाओ, एक गिलास दूध पियो रात को। ये सब तरीके से वेट गेन पक्का होता है भाई, करवाया है लोगों का वेट गेन, तभी आपको बता रहा हूँ होता है। मिल्क प्रोडक्ट बेस्ट होते हैं अगर आपको अपना वेट गेन करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेचुरली आपकी बॉडी को वो ग्रो करवा देते हैं। दूसरी चीज़ है, अपनी बॉडी का टाइप जानो। मेसोमॉर्फिक है, मेटामॉर्फिक है, एंडोमॉर्फिक है, कैसी है बॉडी, फैट बर्निंग वाली है या फिर फैट नहीं बढ़ता वाली है, या फिर नेचुरली मस्कुलर बॉडी है जिसमें वेट गेन नहीं हो रहा है, लीन है बॉडी बहुत ज़्यादा। तो ये सब अपने टाइप्स को आप पता करो पहले, मेरी वीडियो भी है ऊपर, आपको आई बटन में मिल जाएगा, व्हाट इज़ योर बॉडी टाइप, उसको देख के समझ जाओ क्या है बॉडी टाइप, उसके हिसाब से मेरे से कॉन्टैक्ट करो, मैं उसके हिसाब से आपको डाइट बताऊँगा क्या आपको खाना है, किस आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से। और दोस्तों, खजूर एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो इतना अच्छा है, डेट्स बोलते हैं जिसको हम लोग, वेट गेन के लिए और ताकत के लिए और मेल हार्मोन को बढ़ाने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो रात को दूध में उसको पका के खाओ, बहुत ज़बरदस्त होगा। चने, मूंगफली, लेंटिल्स, जो घर की दाल होती है उसको खाओ, अनाज खाओ, फ्रूट्स खाओ, काजू, बादाम, इतना सब कुछ है खाने के लिए, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करो, खाओ उसको, बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी बॉडी, नेचुरली अपना वेट गेन हो जाता है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो चीज़ों को कि ये खाएं कि ये नहीं खाएं, भाई आपको वेट गेन करना है। वेट गेन का मतलब है ईट लाइक अ डॉग, सिंपल, अगर बॉडी बिल्डिंग लैंग्वेज में, अगर बॉडी बिल्डिंग लैंग्वेज में अपन बोलें तो उसको बोलते हैं ईट लाइक अ डॉग। इट मीन्स खाते जाओ, बस 5-6 मील दिन की बनाओ, खाओ अच्छे से पेट भर के, जो मिलता है खाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको वेट गेन करना है। घर का अनाज खाओ, सब कुछ है खाने के लिए, ऑप्शन की कमी नहीं है, बस आप खाना स्टार्ट करो, इंक्रीज़ करो अपने एपेटाइट को, ट्राई करो खाने का, कुछ समय के बाद आदत पड़ जाएगी, अपने आप अच्छे से खाओगे, और जब आपकी डाइट अच्छी हो जाएगी तो अपने आप वेट गेन होता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई इतनी हार्ड चीज़ नहीं है वेट गेन करना कि आप कर ही नहीं पाओगे, आसानी से हो जाता है लोगों का, मैंने भी करवाया, मुझे पता है 1-2 महीने के अंदर में बहुत ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं लोग अगर डाइट मेंटेन करते हैं। तो डाइट बहुत ज़रूरी है। रही बात जिम जाने की, वर्कआउट करने की, ज़रूरी है, वॉकिंग रनिंग आप करें, पुशअप करें, जिम भी जा सकते हैं, लेकिन वेट गेन करना एक फ्रिक्वेंटली ईजी चीज़ है, जहाँ की वेट लॉस करना। तो इसलिए वेट गेन के लिए अगर आप जिम स्किप भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाइट मेंटेन करिए, वेट गेन ज़रूर होगा। ये था मेरे दोस्तों आज आपके लिए वेट गेन टिप वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों भेजिए जिसको वेट गेन करना है। वेट गेन की डाइट चार्ट भी अवेलेबल है, वेट गेन की और टिप्स भी है चैनल के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके देख लेना। Thank you for watching. Keep supporting. Take care of yourself.